हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक में हम यह पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोई भी एलिमेंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का एस्टिमेशन। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम डिफरेंट एलिमेंट्स के मास परसेंटेज को पता करते हैं और फिर इसी मास परसेंटेज की हेल्प से हम कंपाउंड का न्यूमेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिटरमाइन करते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। तो हम एक एक करके इन एलिमेंट्स के एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के एस्टिमेशन से। कार्बन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी को पता करने के लिए हम कुछ ऐसे सेटअप का यूज़ करते हैं जिसमें एक कंबसन ट्यूब होती है और यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल को ड्राई ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, जिससे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन के बाद CO2 और वाटर फॉर्म करता है, जिसे हम कॉपर ऑक्साइड पैलेट से पास करते हैं। कंबशन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट कार्बन और हाइड्रोजन्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स फॉर्म करते हैं। कंबशन के बाद निकलने वाले गैसेस में CO2 गैस को हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं वाटर वेपर्स को हम एनहाइड्रस CaCl2 की हेल्प से एब्जॉर्ब करते हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में CO2 एब्जॉर्ब होने के कारण इसके मास में इंक्रीमेंट होता है और यह इंक्रीमेंट CO2 के मास के इक्वल होता है। वहीं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड में वाटर के एब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पर भी मास में इंक्रीमेंट होता है और यह इंक्रीमेंट वाटर के मास के बराबर होता है। फिर गैसियस मिक्सचर में प्रेजेंट एक्सेस ऑक्सीजन एग्जिट होल से बाहर निकल जाता है। एक बार हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का मास पता चल जाता है तो उसके बाद हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के मास को पता कर सकते हैं। यदि हम मान लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास m ग्राम था, कैल्शियम क्लोराइड के मास में इंक्रीमेंट m1 ग्राम है जो कि वाटर के मास के इक्वल होगा, वहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मास में इंक्रीमेंट m2 ग्राम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के मास के इक्वल होगा। तो यहाँ से कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज हो जाएगा 12 × m2 × 100/44 × मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा 2 × m1 × 100/18 × मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप इन फॉर्मूलाज को याद रखिएगा।